हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि जिस इंटरनेट का हम दिन रात यूज़ करते हैं, आखिर उसका मालिक कौन है? जब किसी कंपनी जैसे आइडिया, जियो, एयरटेल को डाटा पैक के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि ये कंपनी इंटरनेट के लिए किसे पैसे देती है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट किसी भी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि यह विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन है। यानी इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेट पर किसी संस्था, किसी व्यक्ति, सरकारी संस्था का कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए आप सभी किसी वेबसाइट से आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, तो इस आर्टिकल्स को आप हजारों किलोमीटर दूर रखे वेबसाइट के सर्वर से प्राप्त कर रहे हैं। जब वेबसाइट के सर्वर से आपके मोबाइल या पीसी पर ये आर्टिकल्स आ रहा है, तो उस सर्वर और आपके मोबाइल के बीच एक कनेक्शन बन रहा है और इसी कनेक्शन के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। ये रुपए आप नेशनल लेवल की कंपनी जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को देते हैं, लेकिन ये नेशनल कंपनी की पहुँच सिर्फ अपने देश तक होती है। इसलिए ये कंपनी इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल कंपनी को पैसा देती है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।